हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी बनाने, जिसके लिए मैंने वॉश करके रख ली है आलू गोभी, और एक प्याज और एक टमाटर मैंने कट कर लिया है, बस और कुछ नहीं। तो बस गैस पे मैंने कुकर रख लिया है। हाँ जी, मैं कुकर में ही बनाऊंगी, पर कुकर का ढक्कन लगा के नहीं बनाऊंगी, इसके ऊपर प्लेट ढक देती हूँ, कुकर में ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मुझे एक बात याद आ गई तो सोचा चलो मैंने अभी बता देती हूँ, कि मुझे एंड में बोलनी पड़ती है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोग मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ पूरा वॉच कीजिए, तभी आप कमेंट कीजिए, तभी वो कमेंट मुझे शो होगा, अदरवाइज़ वो कमेंट मुझे शो नहीं होगा। और जो लोग मुझे देखते होंगे ना, वो भी कहेंगे कि ये डेली डेली वीडियो में ये बात बोलती हैं। पर क्या करूँ यार, लोग वीडियोज़ देखे बिना ही मैसेजेस कमेंट्स कर देते हैं, सॉरी मैसेजेस कह रही हूँ, कमेंट कर देते हैं। तो नहीं यार, वो कितना समझाऊँ, लोग समझ ही नहीं रहे हैं, शायद आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें ना मेरा नुकसान हो रहा है। आप कमेंट करके जा रहे हैं, आपको शो हो रहा है वो कमेंट कि हाँ जी आपने कमेंट कर दिया, पर वो कमेंट सिर्फ आपको शो हो रहा है, वो कमेंट मुझे नहीं शो हो रहा है, वो किसी और को शो नहीं हो रहा आपके सिवा। मुझे ही क्या, वो और किसी अदर यूट्यूबर को भी वो शो नहीं होगा, अदर जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें भी वो कमेंट शो नहीं होगा, सिर्फ आपके सिवा वो कमेंट सिर्फ आपको ही शो होगा। तो मैंने इधर तेल चढ़ा दिया है इसमें कुकर में, तो चलो सब्जी छौंक लेती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, मतलब आपको कमेंट करने की जल्दी है, तो सिर्फ 3 मिनट वीडियो को देखिए फिर कमेंट कीजिए। तो बस यही कहना चाहूँगी आपसे। तो चलिए सब्जी छौंकने की तैयारी कर लेते हैं। कुकर में मैंने तेल रखा था, गर्म हो चुका है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। और उसके बाद जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया। जीरा ऐड करने के बाद आप हींग ऐड कर लीजिएगा, मेरी हींग ख़त्म हो गई जो मेरे पास थी, तो अभी हींग नहीं आई है, जब राशन का सामान प्रॉपर आएगा तभी सब सामान आने वाला है। तो बस जीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज जब हमारे भुन जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। सूखे मसाले में मैं हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, ये सब डाल के थोड़ा सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 2 सेकंड भूनूंगी, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट भून रहे हैं मसालों को तो मसाले जल जाएंगे। फिर उन्हें डालने के बाद, मसाले भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी जो मैंने टमाटर कट करके रखा था। और टमाटर डालने के बाद ये देखिए हमारा ऑयल अलग होने लग गया और हमारे टमाटर भी ऑलमोस्ट गलने के स्टेज पर आ चुके हैं, और नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जैसा आप नमक खाते हैं। और उसके बाद जब हमारे मसाले भून जाएँ, टमाटर गल जाएँ, तेल अलग हो जाए, तो उसके बाद जो हमने आलू और गोभी को कट करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे, और फिर ये डालने के बाद अच्छे से मसालों के साथ इन सब चीज़ों को चला देंगे। और जब हम इनको चला देंगे उसके बाद इसे मैं प्लेट से ढक दूंगी। तो मैंने नमक पहले भी डाला था और फिर मैंने थोड़ा नमक और भी डाल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है नमक। तो ये मैंने मसालों के साथ अच्छे से गोभी और आलूओं को मिक्स कर दिया है, और प्लेट से ढक दूंगी, मीडियम गैस को स्लो कर दूंगी और बीच में चलाते हुए इसे पका लूंगी जब तक सब्ज़ी अच्छे से गल नहीं जाती है। और गोभी थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। बाद मिले बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया हो तुझे याद किया। तो मैं अपने लिए बना रही ग्लूकोज का पानी, आप भी आ जाइए, ग्लूकोन डी, हाँ ग्लूकोन डी पी लीजिए, ये ग्लूकोन सी नहीं है, ये ग्लूकोन सी भी आता है ना, तो पर ये ग्लूकोन सी नहीं, ये ग्लूकोन डी है। और सब्जी हमारी रंध गई, मतलब बन गई, अपनी भाषा कभी कभी निकल जावे है, जो कि पूरी नहीं आती मुझे, पर हाँ जैसे रहते हैं तो आस पड़ोस में रहने से जो बोलते हैं तो पड़ जाती है थोड़ी थोड़ी आदत। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, दूध मैंने बॉइल करने के लिए रख दिया है, और अब हम एक स्पून लेते हैं और इसमें पानी डालते हैं, वाटर निकालती हूँ, और वाटर का पानी बहुत बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, तो थोड़ा नॉर्मल वाटर मिलाऊंगी और थोड़ा सा ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, हाँ बस इतना मैंने दिया है।
और गर्मी में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं प्लीज़ उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी क्योंकि सभी रोगों की दवा है पानी। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर ये कहता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अब उन्हें कौन बताए हम कितना पानी पीते हैं। पर यार सच्ची बताऊँ दो दिन से तो मैं नहीं पी पा रही पानी, गर्मी इतनी हो रही पीने का मन ही नहीं करता पानी, बस नहाते रहो, एक मन ही करता है बस नहाते रहो। तो चलो बन गया हमारे ग्लूकोन डी, पी लेती मैं। बैठ के पीती हूँ है ना। तो आप सभी भी आ जाइए ग्लूकोन डी पी लीजिए। बैठ के पी रही हूँ क्योंकि मैंने कई कमेंट सुना है कि बैठ के पीना चाहिए पानी। कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है पर आपके लिए इंद्रधनुष कितना प्यारा लग रहा है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने सुबह से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी पर आप सभी के लिए। और ये दो दो इंद्रधनुष हैं, देखो एक तो पूरा प्रॉपर दिख रहा है और एक देखो छोटा सा हल्का सा हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है आप सभी को? अगर आप सभी को दिख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक तो प्रॉपर दिख रहा है पर एक बहुत हल्का दिख रहा है, देखो उसी के ऊपर देखो हल्का सा, अगर आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये देखो जूम कर दिया है मैंने,